बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार पुलिस आदतन अपराधी बता रही है और बिहार आने का इंतजार कर रही है। वो मनीष कश्यप राइट विंग लॉबी की शरण में चले गए हैं। बिहार से फरार मनीष कश्यप अब बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं। मनीष कश्यप ने बाबा के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए कहा, आज बागेश्वर धाम सरकार के महाराज आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिसे मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुश्किल रास्ते पर चलने के दौरान अपने गुरु का दर्शन और उनका आशीर्वाद के रूप में फल प्राप्त होता है तो जिंदगी का कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। नए ट्विटर अकाउंट से बागेश्वर धाम वाले बाबा के साथ मनीष कश्यप ने फोटो शेयर की तो पब्लिक ने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तेरी पर्ची में क्या निकला, फेक न्यूज फैलाकर समाज में जहर घोलने वाले। बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस आपको नहीं मिल रहा है, देखिए कहां कहां घूम रहा है और आप लोग इनके पीछे पड़े हैं। कह रहे हैं कि बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कब तक गिरफ्तारी होगी। ये तथाकथित बाबा अपने भाई को गिरफ्तार होने से नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा, अफवाहबाज की गिरफ्तारी निश्चित है। मनीष कश्यप का बागेश्वर धाम वाले बाबा की शरण में जाना दरअसल धर्म का कार्ड खेलना है। मनीष कश्यप पत्रकारिता के नाम पर जब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए तो अब खुलकर साध्वी प्राची, कपिल मिश्रा और बागेश्वर धाम वाले बाबा के साथ खुद को जुड़ा हुआ दिखाकर एक विचारधारा के लोगों को अपने समर्थन में करना चाहते हैं। बिहार पुलिस मनीष कश्यप की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं मनीष कश्यप मजे से सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाने वालों को धन्यवाद कह रहे हैं। खुद को पत्रकार कहने वाले मनीष कश्यप के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें वो लोगों को खुलेआम गंदी गंदी गालियां देते हुए दिख रहे हैं। इसके बावजूद बाबाओं का उनको आशीर्वाद देना और बीजेपी समर्थित आईटी सेल का मनीष कश्यप को समर्थन करना सवाल उठाता है कि क्या राष्ट्रवादी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को गालियां दें और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलाएं। आप ऐसे राष्ट्रवाद पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।